हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है स्टाइल स्टील में। इस वीडियो बताने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह की उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव कब हुआ? तो उसका उत्तर है नवंबर 1946 में। और सेकंड प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्य मनाया गया? तो इसका उत्तर है 1858 ईस्वी में, सन 1858 में। और थर्ड प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। और फोर्थ प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। और फाइव प्रश्न, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है ब्रिटिश सम्राट का। और सिक्स प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? इसका उत्तर है जेबी कृपलानी। और सातवां प्रश्न, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। और आठवां प्रश्न, राष्ट्रगान गाना गाने में लगभग कितने समय लगते हैं? उत्तर है लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। और नाइन प्रश्न है, संविधान सभा के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? उत्तर है जुलाई 1947 में अपनाया। और टेन प्रश्न है, ब्रिटिश के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दे दी? उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने। और 11 प्रश्न, संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का संगठन किया? तो इसका उत्तर है 24 अगस्त 1947 को। और 12 प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो इसका उत्तर है मुंडक परिषद से। और 13 प्रश्न, किसे भारत का विश्वमार्ग कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्वमार्ग कहा जाता है। और 14 प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनवा गया? उत्तर है 1962 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व। और 14 प्रश्न, भारत के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35। और 15 प्रश्न, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई? उत्तर है एकल नागरिकता की। और 16 प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? इसका उत्तर है संविधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। और किस वर्ष जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मान मानका देना समाप्त कर दिया? इसका उत्तर है 1970 ईस्वी में। और 18 प्रश्न, अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। और 19 प्रश्न है, संशोधन का किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 20 प्रश्न, संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। 21 प्रश्न, संविधान के किस अंग अध्याय राजनीतिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था चर्चित है? उत्तर है प्रस्तावना में। 22 प्रश्न, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? उत्तर है अनुच्छेद 110 में। 23 प्रश्न, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? उत्तर है 35 वर्ष। 24 प्रश्न, तीनों सेनाओं का स्वच्छ कमाल किसमें निहित है? उत्तर है राष्ट्रपति में। 25 प्रश्न, किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है? उत्तर है संविधान का। 26 प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? उत्तर है संविधान सभा ने।
और 17वां प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीडियो का प्रयोग किया था? उत्तर है ज्ञानजील सिंह ने। 28वां प्रश्न है, संविधान की किस भाग को भारत का ना गणकाटा कहा जाता है? उत्तर है भाग 3। और 29वां प्रश्न, अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अक्सर की सीमा समाप्त प्रदान की गई? इसका उत्तर है न्यूनकरण 16। 30वां प्रश्न, कौन सा संसद 17 वासना कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। 31वां प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल, करेक्ट आंसर। 32वां प्रश्न, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? उत्तर है राष्ट्रपति के। 33वां प्रश्न है, भारत का वह राष्ट्रपति कौन था, लोकसभा अध्यक्ष भी थे? उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। 34वां प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और 35वां प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर संसदीय तुरंत सदन में चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? उत्तर है तारांकित प्रश्न। और 36वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? उत्तर है बम्बई। 37वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? उत्तर है पिंगली वेंकैया। 38वां प्रश्न, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कहा जाता है भारत का मनु। 39वां प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है दोनों सदनों। और 40वां प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आंसर है 1951। और 41वां प्रश्न, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991। और 42वां प्रश्न, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 43वां प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 23 और 24 अंतर्गत आता है। 44वां प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? उत्तर है अमेरिका। 45वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? आंसर 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 46वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 47वां प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? उत्तर है 22 सदस्य, लोकसभा 15, राज्यसभा 7 होते हैं। 48वां प्रश्न, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 19। और 49वां प्रश्न, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 13 मई 1952 को। और आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अगर और वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।